तो कब आएगी ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव? फाइनली दोस्तों, डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इस पर से चुप्पी तोड़ दी है और फैंस को एक बहुत बड़ी बात कह दी है। स्वागत है चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोस। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बात तो भैया हम जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र वन को देखकर लिटरली मजा आ गया। सिर्फ लव स्टोरियां हटाकर जो वहां पे VFX और जो स्टोरी में जिस तरीके से विलन विलन को डाला गया, जिस तरीके से शक्तियां दिखाई गई, हालांकि हमारा बेवकूफ भी बनाया गया, ब्रह्मास्त्र बोल के हमें प्रेमास्त्र दिखा दिया गया। खैर, लेकिन अब पार्ट टू के लिए एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि कौन होगा आखिरकार रणबीर कपूर के किरदार का पिता? आखिरकार जल और आग में किस तरीके का रोमांस है? ये सारी चीजें और इनके अलग होने की क्या वजह है, ये सब चीजें हमें पता चलेंगी। इसके अलावा मौनी और शाहरुख साहब का किरदार भी वापस आ सकता है, ये भी पता चलेगा। खैर, आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो अब ब्रह्मास्त्र पार्ट टू के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर साहब ने सबसे पहले तो शाहरुख खान की बात करी। जी हाँ, किंग ऑफ रोमांस शाहरुख साहब के बारे में वो बात करते हुए कहते हैं कि भाई हाँ बिल्कुल आएगा, इसका जो स्टैंड अलोन मूवी है वो जरूर आएगी वानर अस्त्र पे, क्योंकि शाहरुख खान को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे। जब शूट हुआ था तब हमें लग गया था कि ये जो साइंटिस्ट वाला जो शूट हुआ है ये गजब हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अयान मुखर्जी ये भी कहते हैं कि पार्ट वन बनाने में तो इतना समय लग गया, कोरोना और ये सब भी आ गया था, हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पार्ट टू हम 3 साल के अंदर ले आएंगे, विच मीन्स 2025 क्रिसमस में ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, जो कि है ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव। भाई मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज लव स्टोरी को इतना मत डाल दीजिएगा कि ओवरडो हो जाए, और आलिया भट्ट को कम सीन्स दीजिएगा क्योंकि वो ओवर एक्टिंग जो थे ना उनका, हाँ शिवा शिवा तुम्हारा हाथ तो बहुत ज्यादा हंसी आ जाती थी। खैर, जनता ने भी यही कहा है। सो यस, कमेंट सेक्शन में जाएं, झटपट बताएं, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना।